नगर परिषद के पूर्व नगर अध्यक्ष प्रेम आत्माराम झाड़े को 17 मई 2019 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20,000 रुपयों के पैकेट लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। प्रेम झाड़े ने भाजपा के नगराध्यक्ष पद पर विराजमान थे। झाड़े को 1.25 साल के लिए नगराध्यक्ष पद दिया गया था। समय खत्म होने के बाद झाड़े ने नगराध्यक्ष पद का इस्तीफा देना था, लेकिन पद नहीं छोड़ने से नगराध्यक्ष को लेकर भारी राजनीति गर्मा गई थी। झाड़े को किसी न किसी मामले में फंसाकर पद छोड़ने पर मजबूर करना ही एकमात्र नब के सत्ता पक्ष भाजपा का लक्ष्य बना। उन्होंने अपने निवास पर ठेकेदार संजय खोड़े के हाथ 20,000 रुपए का पैकेट देकर भेजा गया। इधर एंटी करप्शन का जाल बिछा के रखा था। जैसे ही पैकेट झाड़े के हाथ दिया, वैसे ही झाड़े को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने झाड़े को रिश्वत लेते पकड़ा। झूठी रिश्वत में फंसाने का मामला अब उजागर हुआ, लेकिन यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, यह तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। यह साजिश कुछ लोगों द्वारा रचने का आरोप झाड़े ने किया। इस मामले में झाड़े जेल भी रह चुके थे, बावजूद झाड़े अपने नगराध्यक्ष पद पर कायम रहे। वो अपने ही भाजपा के नेताओं पर जीत हासिल की। मामला कोर्ट में जारी है। सोमवार को इस मामले ने अलग मोड़ ली है। सोमवार को संजय खोड़े परिवार के साथ झाड़े के घर पहुंचे। वो माफी मांगने लगे। माफ नहीं किया तो आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। झाड़े ने तुरंत वाड़ी पुलिस को सूचना की। वो पुलिस आते ही संजय खोड़े को थाने ले गई। ठेकेदार संजय खोड़े ने पुलिस को लिखित में झाड़े के खिलाफ की गई शिकायत को पीछे लिया है। जो भी मामला हुआ है, मैंने किसी के दबाव में आकर किया है, यह बात खोड़े ने कबूल की है। प्रेम झाड़े ने मुझसे रिश्वत नहीं मांगी। यह बयान वाड़ी पुलिस को लिखित देकर शिकायत पीछे लेने की जानकारी संजय खोड़े ने दी। रिश्वत का झूठा जाल किसने रचा था, इसकी जाँच अब झाड़े करने वाले है। संजय खोड़े परिवार के साथ मेरे घर आए, वो माफी मांगने लगे। नहीं करने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। मेरे खिलाफ दी गई शिकायत खोड़े ने पीछे ली। यह पुलिस को लिखित में दिया। मुझे फिजूल में फंसाया गया था कि यह शिकायत का पश्चाताप खोड़े ने एसपी को पत्र देकर किया। मुझे इसका पत्र दिया गया। बाकी मामला एसपी के पास है। किसी के दबाव में आकर मैंने यह किया। झाड़े ने रिश्वत मांगी नहीं थी। आज मैंने खुद होकर इन्हें माफी मांगी। साधारण ते एका वर्षापहिले जे काही एंटी करप्शनचं मॅटर झालं होतं जोरात थोडा, तर त्याच्यामध्ये कसं आहे म्हणजे असं कोणाच्या इन्फ्लुएन्समध्ये म्हणजे स्वप्रेरित होऊन मी कसं आहे जे काही कृत्य केलं त्याच्याबद्दल कसं आहे मी दिलगीर आहो। तसा कोणत्याही विषय त्यांनी केलेला नव्हता। त्याच्यासाठी कसं आहे जाहीरपणे मी आज त्यांची माफी मागतो आणि त्यांचं प्रकरणही मी वापस घेणार आहे। कसं आहे आणि वर्षभरापासून जे एक माझ्या मनामध्ये संकोचाची जी भावना होती त्या दृष्टिकोनातून भाऊ कसं आहे मी त्यांची माफी मागायसाठी आज त्यांच्या घरी आलो। त्याच्यासाठी कोणाच्या दबावामध्ये किंवा कोणी मला पाठवलं म्हणून आलो नव्हतो। इथे मी आलो होतो तर तक्रार वापस घ्यायसाठी चालू होतो। तर त्यांनी मला जिथे प्रक्रिया सांगितली त्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मी पुढे जाऊन स्टार्ट वैयक्तिक म्हणजे काही इन्फ्लुएन्समध्ये येऊन माझ्या हातून जे काही चुका झाल्या समजा कसं आहे त्याच्यासाठी मी दिलगिरीचा म्हणून मी माफी मागायसाठी आलो होतो। आणि कसं आहे पश्चाताप झाला म्हणून मी आलो इथेही आलो कंप्लेंटला। त्यांनी जी प्रोसेस सांगितली मी ते फॉलो करील। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।